पर दोस्तों, आज ही 3 जुलाई और 3 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में देखने, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके SSC RRB NTPC रेलवे बोर्ड के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न अपना है, भारत का सर्वाधिक सबसे महंगा शहर कौन सा है? भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सवाल, मुंबई, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद। तो भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका मुंबई। सही ऑप्शन कौन सा दोस्तों इसका? मुंबई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब इसका अगला सही आंसर इसका मुंबई है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न अपना है स्पेस एक्स टेस्ला और एक टेस्ला के सीईओ कौन है? स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के सीईओ कौन है? चार ऑप्शन पास, एलन मास्क, मार्क जुकरबर्ग, अनिल अंबानी, सुंदर पिचाई। तो चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा दोस्तों? स्पेस एक्स और टेस्ला के सुंदर सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ दोस्तों एलन मास्क। सही ऑप्शन इसका ए वाला राइट हो जाएगा आपका, एलन मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला दोस्तों, देखें तीसरा प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? मुंबई, इंदौर, जबलपुर, कतर। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर होगा कतर। कहाँ पे होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन? कहाँ पे होगा? कतर में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों? कतर। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो दोस्तों अक्षय कुमार, अजय देवगन और रजनीकांत, शाहरुख खान। चार में सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, टाइप कीजिए और वीडियो में अपना स्कोर बनाते रहिएगा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला दोस्तों रजनीकांत को। सही ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रजनीकांत को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बने? हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो ये है दोस्तों अनुराग ठाकुर। कौन बने? अनुराग ठाकुर। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है दोस्तों नरेंद्र बत्रा। कौन बने? नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुपर ओवर में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? एक सुपर ओवर में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? एक, दो, तीन, चार। तो एक सुपर ओवर में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? इसके सही ऑप्शन दोस्तों तीन खिलाड़ी खेल सकते हैं। एक सुपर ओवर कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम चीनी कौन था? तो राम चौधरी, यांग लिवे, नरेंद्र बत्रा, अनुराग ठाकुर। तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका यांग लिवे, अंतरिक्ष में जाने वाला चीनी यात्री था। नेक्स्ट है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई, 21 जून, 20 जुलाई, 11 अगस्त। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों इसका? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? देवास, नेपानगर, बुरहानपुर, होशंगाबाद। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे स्थित है दोस्तों? होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? होशंगाबाद में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
थैंक यू दोस्तों, इस तरह 10 क्वेश्चन अपना हो गए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें।